हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आज के इस इंटरेस्टिंग गैजेट से भरे हुए वीडियो में, जिसमें कार्टून गैजेट से लेकर डेली लाइफ में यूज होने वाले गैजेट्स मौजूद हैं, जैसे कि प्यारा सा पोकेबॉल जिसमें वायरलेस ईयरबड्स मौजूद होते हैं, और एक ऐसी पेन मौजूद है जिसे आप 3D ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं, और पार्टी के लिए है एक कूल से शूज जिसमें कलरफुल LEDs लगे होते हैं। खैर, तो इस वीडियो में आपको और भी काफी सारे गैजेट्स देखने को मिलेंगे, जिन्हें आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से परचेज कर सकते हो। तो जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिएगा आखिर तक, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ साइड में आने वाले बेल आइकॉन को भी रख लीजिए ऑल पर, ताकि आपको आगे आने वाले हर वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिले। अच्छा, तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। 3 Doodler पेन। दोस्तों, जब पेन्स की बात आती है तो हमें बस नोटबुक पर लिखने वाले पेन ही नजर आते हैं, लेकिन गाइस, क्या आपने एक ऐसी पेन देखी है जिसमें इंक के बजाय प्लास्टिक मटेरियल निकलता हो? वेल, तो मिली है कूलेस्ट 3D प्रिंटिंग पेन से, जो आपके इमेजिनेशन को रियलिटी में आसानी से बदल सकती है। जी हाँ गाइस, क्योंकि ये होती है 3D प्लास्टिक प्रिंटिंग पेन, जिसमें मौजूद होता है पिघला हुआ प्लास्टिक मटेरियल, जो पेन से बाहर आने पर एक सॉलिड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। खैर, तो गाइस, अब देख लीजिए इसे यूज किस तरह से किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो आपको इसके बॉक्स में प्लास्टिक रिफिल, साथ ही साथ पावर एडाप्टर, कुछ टूल्स और सबसे इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन मैनुअल देखने को मिलेगा। अच्छा, तो आपको बस पेन के टॉप वाले हिस्से में पावर पिन को प्लग इन करना होगा, साथ ही साथ उसके साइड में ही अपने मनपसंद प्लास्टिक रिफिल को भी इंसर्ट करना होगा। फाइनली, उसके बाद आपको बस पेन में दिए गए बड़े से बटन को अपने अकॉर्डिंग क्लिक करना है, जिसके बाद ये होगा कि इसमें डली हुई प्लास्टिक रिफिल मेल्ट होकर जेल फॉर्म में बाहर आएगी, जिसका यूज करके आप अपने फेवरेट ऑब्जेक्ट्स और मस्त से चीजों को एक नया रूप दे सकते हैं। स्विचबॉट। गाइज, अगर आप अपने घर के नॉर्मल स्विचेस को स्मार्ट स्विचेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए हम लेकर आए हैं इजी टू यूज गैजेट, जिसे इंस्टॉल करने से लेकर यूज करने तक आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना होगा। वेल, तो गाइज, मिलिए उस खास गैजेट से जिसका नाम है स्विचबॉट, जो साइज के मामले में काफी छोटा डिवाइस है, लेकिन ये छोटा सा डिवाइस आपको सोफे पर से स्विच को ऑन करने के लिए बिल्कुल भी उठने नहीं देगा, क्योंकि ये डिवाइस बना है उसी काम के लिए। खैर, तो अब इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस को देख लेते हैं। तो आपको सिंपली उस डिवाइस को अपने अकॉर्डिंग किसी भी स्विच पर या फिर टेबल लैंप, स्मार्ट डिवाइसेस पर स्टिक कर देना होगा, और साथ ही साथ आपको अपने स्मार्टफोन में भी इसके ऑफिशियल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल करना होगा, जिसके बाद आप उसके ऐप की मदद से स्विच बोर्ड को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब स्विच को ऑन करना, टेबल लैंप को ऑन करना और साथ ही साथ कॉफी मेकर को भी पावर ऑन करना। तो गाइस, आपको ये छोटा सा डिवाइस कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। पोकेबॉल ईयरबड्स। गाइस, आपने पोकेमॉन सीरीज को तो टेलीविजन पर काफी बार देखा होगा अपने बचपन में, जो कि एक हमारा बचपन का कार्टून शो हुआ करता था, जिसमें कूल सा दिखने वाला पोकेबॉल भी होता था, जिसे हर कोई रियल लाइफ में अपनाना चाहता है। बट ऐसा रियल लाइफ में होना तो इम्पॉसिबल है, लेकिन कुछ इन्वेंटर्स ने एक पोकेबॉल को बना ही लिया है, लेकिन उसका काम रियल वाले से काफी अलग होगा। वेल, तो गाइज, मिलिए रेजर की तरफ से आने वाले पोकेबॉल वायरलेस ईयरबड से, जो सच में गाइस बाहर से तो बिल्कुल एक रियल वाले पोकेबॉल की तरह ही नजर आता है, वही तो इसकी खास बात होती है। खैर, तो इसके बॉक्स में आपको फर्स्ट पोकेबॉल देखने को मिलेगा, और इसके नीचे ही एक येलो कलर वाला बॉक्स मौजूद होगा, जिसमें USB केबल, ईयर टेप्स और साथ ही साथ स्ट्रैप मौजूद होगा। फाइनली, तो आपको उस पोकेबॉल को ओपन करना है कुछ इस तरह से, जिसमें दो मस्त से येलो कलर वाले ईयरबड्स मौजूद होंगे, जिसकी साउंड क्वालिटी भी आपको काफी बेहतर सुनने को मिलेगी। वैसे गाइज, अब बात की जाए इस प्रोडक्ट की परचेस लिंक की, तो गाइज, ये पोकेबॉल फिलहाल अमेजोन पर और कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ चाइना में ही मौजूद है। आई होप कि ये पोकेबॉल इंडिया में भी देखने को मिलेगा। रेजर डेल्टा विंग। गाइज, स्क्रीन पर दिख रही अजीब सी साइकिल, साइकिल कहना तो गलत होगा, चलो इसके नाम से ही शुरू करते हैं। तो इसका नाम है रेजर डेल्टा विंग, जो एक साइकिल और स्केट्स का मिक्सचर है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, जिसके आगे वाला हिस्सा बिल्कुल एक साइकिल के तरह ही है, लेकिन इसके पीछे वाला पार्ट थोड़ा सा अजीब सा है, मतलब इसके पीछे वाले पार्ट में आपको साइकिल का व्हील देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि इसके इन्वेंटर ने इसमें साइकिल वाले व्हील को रिप्लेस करके दो स्केटिंग वाले टायर्स लगा रखे हैं, जो कि देखने में काफी क्रेजी लगते हैं। वैसे गाइज, मैं आपको बता दूं कि ये डेल्टा विंग जितनी क्रेजी लगती है, उतना ही ये आपको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए काफी मदद भी करती है, वो भी कुछ अलग तरीके से। मीन्स आपको इसमें ना ही पेडल्स देखने को मिलेंगे और ना ही इसमें इलेक्ट्रिक मोटर मौजूद होती है, बल्कि इसका मैकेनिज्म तो काफी अलग ही है। वेल, तो गाइज, ये डेल्टा विंग चलती है मैन पावर की मदद से, मतलब आपको इस पर रुकना है और थोड़ा सा स्टार्टिंग टॉर्क देकर अपने पैरों को पीछे वाले कास्टर्स पर रख देना है, जिसके बाद आप उस पीछे वाले कास्टर्स को कुछ इस तरह से लेफ्ट राइट घुमा घुमा कर अपने राइड को कंटिन्यू रख सकते हैं, कुछ इस तरह से। वैसे गाइज, एक बात तो पक्की है कि जब आप इस डेल्टा विंग को पब्लिक प्लेस पर लेकर जाएंगे तो लोग आपको मुड़ मुड़ कर देखने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इसका डिजाइन ही तो इतना यूनिक होता है।
हीटेड वेस्ट। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता ही है कि दिन ब दिन ठंड कितनी बढ़ती चली जा रही है, जिससे कि घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता, क्योंकि नॉर्मल स्वेटर्स हमें बस कुछ हद तक ही ठंड से बचा सकते हैं, लेकिन जो वेस्ट हम आपको दिखा रहे हैं वो आपको ठंड से काफी हद तक बचा सकता है, क्योंकि गाइस ये कोई नॉर्मल आने वाला वेस्ट नहीं है, बल्कि ये आता है इनबिल्ट हीटर्स के साथ। जी हाँ गाइस, बिल्कुल सही सुना आपने, हीटर्स के साथ। और हाँ गाइस, आपका सवाल ये होगा कि इसमें कहीं आग वाग तो नहीं लगेगी? वेल तो गाइस, इसमें आग वाग बिल्कुल भी नहीं लगती, क्योंकि इसमें स्पेशल मटेरियल और हीटर्स का यूज किया गया है जो लिमिट में रहकर ही हीट होते हैं। खैर तो गाइस, इसे यूज करना बेहद ही आसान होता है, बस आपको इसे पहनकर उस बाहर वाले बटन को प्रेस कर देना है, जिसके बाद ये जैकेट बस एक मिनट के अंदर हीट होने लग जाता है। और गाइस, इस जैकेट में एक इनबिल्ट बैटरी भी मौजूद होती है जो कि रिचार्जेबल होती है, जिसे सिंपली आपको अपने पावर बैंक से ही चार्ज करना होगा, जिसके बाद ये जैकेट आपको ठंड से मैक्सिमम 12 घंटे तक बचा सकता है। और हाँ गाइस, ये पूरी तरह से वाटरप्रूफ होता है, जिसे पानी लगने पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वेल तो गाइस, क्या आप इसे खरीदना चाहेंगे? अगर हाँ तो इसकी प्राइस अमेजोन पर 2500 के आसपास है, जिसकी परचेस लिंक आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ग्लोविंग शूज। गाइस, जैसे कि न्यू ईयर बस कुछ ही दिनों में आने ही वाला है और आप शायद पार्टी वार्टी का प्लान भी बना रखे होंगे। वेल तो गाइस, आप ही के लिए हमें कूल से एलईडी शूज लेकर आए हैं, जिसे अगर आप पार्टी में पहनकर जाएंगे तो लोगों की नजर बस आपके उन शूज पर से हटेगी नहीं, क्योंकि गाइस इन शूज में कलरफुल एलईडी लाइट्स लगे होते हैं जो कि देखने में इतने अमेजिंग लगते हैं कि कुछ बोलो ही मत। खैर तो गाइस, ये शूज बने होते हैं फाइबर ऑप्टिक मटेरियल से, जिसके सेकंड लेयर में ही एलईडी लाइट्स इनबिल्ट होते हैं जो आपके हाथ तो नहीं लगेंगे, जिसकी वजह से लाइट्स के साथ ही साथ कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकता, जिससे कि आपके शूज एकदम सेफ रहेंगे। और हाँ गाइस, ये शूज कंफर्टेबल और फ्लेक्सिबल होते हैं, जिसे पहनकर रखने में आपको अनकंफर्टेबल बिल्कुल भी फील नहीं होगा। तो अगर आप पार्टी में थोड़े से अलग लगना चाहते हैं तो आप इसी तरह के शूज को नीचे दिए गए लिंक से परचेस कर सकते हो। वैसे गाइस, आप सभी को मेरी तरफ से एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। लेजर ट्रिमर। अगर आप अपने बियर्ड को घर पर ही सेट करते आ रहे हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि अपने बियर्ड को परफेक्ट शेप देने में कितनी दिक्कत होती है, और हाँ कुछ लोगों को नहीं भी होती होगी। वैसे अगर आप में से किसी को परफेक्ट बियर्ड को ट्रिम करने में प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए फिलिप्स कंपनी ने बनाकर तैयार किया है एक ऐसी ट्रिमर को, जिसमें लगा होता है लेजर लाइट गाइड। जी हाँ, सही सुना आपने, ये ट्रिमर आती है लेजर लाइट के साथ, जिससे कि ये होगा कि आपको अपने बियर्ड को परफेक्ट शेप देने में काफी ज्यादा मदद होगी। किस तरह से, देखिए। तो जब आप इस ट्रिमर को अपने फेस के पास ले जाएंगे तो आपको अपने फेस पर एक लेजर वाली स्ट्रेट लाइन विजिबल होगी, जो आपके लिए एक स्केल का काम करेगी कुछ इस तरह से। वेल तो गाइस, ये ट्रिमर होती है कम्प्लीटली वाटरप्रूफ, जिसे पानी लगने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। साथ ही ये ट्रिमर होती है कॉर्डलेस, जिसमें इनबिल्ट हुई बैटरी आपको लगभग 60 मिनट तक आराम से रन टाइम प्रोवाइड करती है। खैर तो गाइस, आपको ये ट्रिमर कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। कॉर्सर लाइटिंग टावर्स। तो अगर आप अपने डेस्कटॉप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो वो आपके लिए कॉर्सर की तरफ से आने वाले स्मार्ट लाइटिंग टावर्स हाजिर हैं, जिसे बिल्कुल एक टावर का ही डिजाइन दिया गया है, जिससे कि ये लाइट्स दिखने में और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। वैसे गाइस, आप सोच रहे होंगे कि मार्केट में आने वाले आरजीबी लाइटों से और इन टावर्स में से क्या डिफरेंस है। वेल तो गाइस, ये टावर्स बने हुए हैं स्पेशली गेमर्स के लिए, जिसमें काफी सारे कलर टोन्स और 11 प्रीसेट्स मौजूद होते हैं, जिससे कि ये होगा कि आप इन टावर्स को अपने मॉनिटर से सिंक करके डिस्प्ले में चल रहे एक्शन के साथ ही साथ इन टावर्स को यूज कर सकते हैं। मतलब जो सीन मॉनिटर में चल रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग कलर्स आपको ये टावर्स शो करते हैं कुछ इस तरह से, जो कि सेटअप को काफी कूल बना देते हैं। और गाइस, आप इन टावर्स को इंडिपेंडेंटली भी कंट्रोल कर सकते हैं, साथ ही साथ अगर आपको लाइट्स को ज्यादा ही ब्राइट लगते हैं तो आप उन्हें रिवर्स भी कर सकते हैं, जो कि सीधे वॉल से रिफ्लेक्ट होते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये टावर्स गेमिंग रूम के लिए काफी अमेजिंग हो सकते हैं। तो गाइस, आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है, तो आपको ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी रख लीजिए ऑल पर, जिससे कि आपको फ्यूचर में आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।